वेलकम बैक। सो अभी बज रहे हैं ठीक 12, एकदम ठीक 12 बज रहे हैं अभी। और मैंने ये बनाया है। ये बनाया है, कुछ भी कलर करती रहती है। अभी मैं किचन में अभी घुसी हूँ और क्या किया है, दाल सेट कर दिया कुकर में एंड उसके बाद गार्लिक थोड़ा सा पील की हूँ, थोड़ा और बाकी है। गार्लिक ना पूरा सूख गया है, उसका पेस्ट बना के रखूंगी। और सब्जी कुछ भी नहीं है तो मैंने सोचा पनीर बना देते हैं, दाल पनीर। एंड कल रात का थोड़ा सा सरसों दाल की पटल बनाई थी तो वो है परवल की सब्जी, तो वही हो जाएगा, अभी वही बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं पिम को डाल रही हूँ ब्रेकफास्ट, तो इसमें बनाना है, कर्ड है और बनाना कर्ड और थोड़ा सा चिया सीड और थोड़ा सा शुगर है। तो यस, ये है अभी पीयू का ब्रेकफास्ट। पीयू क्या खा रही है? ब्रेकफास्ट? हाँ, मैंगो। मैंगो नहीं है बेटा, बनाना है। बनाना और कॉर्नफ्लेक्स और दही। बनाना और कॉर्नफ्लेक्स और दही। फिर वो दही पसंद है ना, दही और चॉकलेट वाला कॉर्नफ्लेक्स। नो, हनी वाला कॉर्नफ्लेक्स। ओ अच्छा, चॉकलेट वाला कॉर्नफ्लेक्स पसंद है। ओके ओके ओके, चलो खा लो जल्दी से। ओके सो ये है जिंजर जो कि ड्राई हो चुका है, आप देखिए जो ये है गार्लिक और ये है जिंजर, उसे कट कर लिया। गार्लिक बहुत ही ड्राई हो गया था और ज़्यादा निकला भी नहीं, तो इतना ही निकला है। इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी और रख लूंगी जितना भी बने, है ना। सो यस, सो थोड़ा सा अनियन कट किया है, दाल में तड़का लगाऊंगी इसका। और ये है पनीर, इसको मैंने गर्म पानी में भिगो के रखे हैं क्योंकि मैं पनीर ज़्यादातर फ्राई नहीं करती हूँ। और इसमें पनीर बनाने का प्याज लहसुन अदरक, ठीक है। तो ये हो गया, अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। और कढ़ाई में डालेंगे तेल, जीरा डालूंगी मैं थोड़ा मतलब ज़्यादातर मैं जीरा का ही तड़का लगाती हूँ, तो जीरा डाल रही हूँ। और एक दो लौंग, थोड़ा सा सौंफ डालते हैं जस्ट टेस्ट अलग करने के लिए। अभी इसमें डाल देंगे ये सारे मसाले, और जैसा कि पहले ही बताया है ये प्रोसेस तो करना ही है। तो ये प्रोसेस कर दिया, उसके बाद में मसालों को मतलब प्याज को थोड़ा कर दिया। अच्छा, प्याज को थोड़ा ढक करके पकाएंगे। मसाले यहाँ पे अच्छी तरीके से मतलब प्याज यहाँ पे अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। डालेंगे इसमें सॉल्ट, जीरा पाउडर एंड ये है टर्मरिक एंड थोड़ा सा मिर्च पाउडर। इसमें फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले, हम लोग पाउडर मसाला जब भी डालते हैं ना तो थोड़ा पानी डाल करके इसे भूनिए, क्योंकि पाउडर मसाले सूखे होते हैं तो वो पानी एब्जॉर्ब करता है तो टेस्ट थोड़ा अच्छा होता है। इसे मिक्स कर दिया मैंने, अब मैं सेम ढक करके पकाऊंगी। तो देख रहे आप कि ऑलमोस्ट फ्राई हो ही चुका है और टमाटर नहीं है घर पे तो नहीं डाल रही हूँ, वरना मैं टमाटर डालती हूँ, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है।
और अभी मैं पनीर डाल दे रही हूँ इसमें। गाइस वेलकम बैक। तो पसीने में पूरा, हालत बुरा है। और इग्नोर करो यार, जैसे जो भी है, पता है मैं आजकल छोड़ देती हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती। टाइम कैसे निकल जाता पता नहीं चलता है। लाइक अभी 1:30 हो गया है ना, खाना अभी तक नहीं बना है। दाल तो बन गया, बस तड़का लगाना है और राइस भी दे दिया है, सब्जी ऑलमोस्ट होने ही वाले हैं। तो अभी मैं झाड़ू लगाई हूँ इसलिए इतना पसीना आ रहा है। मैं एक तरफ से झाड़ू लगा रही थी, पिनाकी घर पूछ रहे थे। पहले क्या होता था ना, पिनाकी को बोलती थी वैक्यूम चलाने के लिए, तो वो क्या करते हैं ना, बड़े काम चोर हैं। तो पिनाकी क्या करते हैं, मुझे हंसी आ रही है। पिनाकी ना सामने सामने का सारा, मतलब वैक्यूम क्लीन करने में भी उनको प्रॉब्लम है, सामने सामने का सारा निकाल देते थे और पीछे ऐसे ही छोड़ देते थे। तो मैं कल वैक्यूम क्लीन करी थी पूरा अच्छे से, डीप क्लीनिंग वैक्यूम से। एंड उसके बाद अभी मैंने झाड़ू लगा दिया, क्योंकि कल इवनिंग में किया था मैंने, तो अभी जस्ट झाड़ू लगा दिया और पिनाकी को बोला कि आप घर पूछ लो। तो घर पूछ लिए हैं एंड मुझे पता है कि वो भी सामने सामने से पूछ लिए होंगे। वैसे पिनाकी ना आजकल थोड़ा हेल्प करने लगे हैं, अब तो नजर ना लगे है ना, तो क्योंकि वो कभी करते नहीं है। तो हेल्प इन द सेंस कि लास्ट 2 डेज उन्होंने खाना बनाया, कल परसों, दिन में मतलब हम तो एक ही टाइम बना लेते हैं। तो कल थोड़ा रात में भी बनाना पड़ा था, तो वो मैंने बना लिया था, परवल की सब्जी जो मैंने बोला आपको कि है। तो 2 दिन से पिनाकी खाना बना दे रहे हैं। अच्छा पता है, मैं पिनाकी पिनाकी बोलती हूँ ना, तो पिनाकी को ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है ब्लॉग में मैं ऐसे बोलती हूँ, तो क्योंकि उनका निक नेम जो है ना वो पिंटू है, तो उनको सब पिंटू बोलते हैं और मैं भी इनफैक्ट पिंटू ही बोलती हूँ, पर पता नहीं क्यों मैं ब्लॉग में पिनाकी बोलती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ तो मतलब मैं अब ट्राई करूँगी पिंटू बोलने की। तो पिंटू 2 दिन से खाना बना रहे हैं और सो यही है। अभी पहले तो खाना बना लेते हैं, उसके बाद में जो है क्या करूँगी देखती हूँ वीडियो एडिट, क्योंकि कल कोई मूवी नहीं देखी थी, गुस्से में थी मैं। आजकल तो आधा दिन ऐसे ही जाता है। सो यस, और हाँ गाइस, तो यहाँ पे पापा का फोन आ गया था, तो राइस भी लगता है नीचे थोड़ा सा ना चिपक गया है, तो एक ट्रिक करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा पानी और इसको मैं ढक देती हूँ। एंड पापा का फोन आ गया था तो मैं ये दिखा नहीं पाई, ये एक्चुअली बन गया है। तो ये देखिए आप, एक मिनट, बहुत ही सिंपल सा जो है ना करी बनाया मैंने, और थोड़ा ग्रेवी रखा है क्योंकि मैं और पीयू जो है ग्रेवी के साथ ही खाते हैं, दाल बहुत कम ही खाते हैं इस, तो यस थोड़ा ग्रेवी रखा है। पीयू को दाल खाना होता है ना, तो वो वैसे ही क्या बोलते हैं उसको, पीती है दाल को। सो यस, और अभी इसको मैं इसमें रखूँगी, ये वाले बॉल में। और आपको पता ही है कि मैं कांच के बॉल में रखती हूँ, ये लॉक एंड लॉक का है एक्चुअली, तो इसमें रखती हूँ क्योंकि गर्म करने में ना इजी होता है। अभी डालूँगी दाल में तड़का, पैन ले लिया मैंने, और इसमें थोड़ा सा घी डालूँगी मैं एक्चुअली। अब देख ही सकते हैं कि मैंने अनियन डाला है, ये मिर्ची डाली है मैंने, और वैसे कि थोड़ा सा सॉल्ट डाल करके अनियन को थोड़ा ब्राउन कर लूँगी, और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला लास्ट में डाल दूँगी, बस हो जाएगा, बस ये सिंपल सा करते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि अनियन जो है ब्राउन हो गया है, इतना गरम मसाला डाल रही हूँ, और इसे थोड़ा सा पता है अनियन ये क्या बोलते हैं, मैंने बहुत कम डाला था ना घी, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे हो गया। तो इसे सॉटे कर लिया और इसको दाल में डाल के ऐसे छोड़ देना है आपको चाहिए। तो वाटरमेलन जूस रेडी है एंड पीहू कौन सा लेती है,
This is for Pihu. And this is for Mama. This is for Dida. Yes. So guys, 3 बज चुके हैं और यहाँ पे मैं ले रही हूँ खाना। आप ये मैं सोच रहा कि मैं इतना छोटा सा राइस क्यों खा रही हूँ, मतलब इतना कम क्यों खा रही हूँ, मैं और बाद में लूँगी। तो यस, ये है मेरी पनीर की सब्जी। एक ही बार में सीख जाती हूँ और हम लोग भी सीख पाते हैं। हाँ दीना, बहुत गलत करे। अच्छे से ये नहीं कर सकते। क्या कर सकते? यहाँ भी रखी। अच्छा, पता है क्या हुआ? कल ऐसे रखी थी। हाँ, अरे ऐसे रखी थी तो वो चेंज हो गया था।